हम दोस्तों आज मैं आईपीसी की धारा 34 के बारे में बात करूंगा। इस धारा के अंतर्गत कोई आपराधिक कृत्य अगर सभी व्यक्तियों द्वारा सामान्य इरादे कॉमन इंटेंशन से की जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध का जिम्मेदार होगा। ऐसे ही जैसे प्रत्येक व्यक्ति ने अकेले में या अकेले द्वारा ही यह अपराध किया गया हो। धारा 34 की पूर्णता के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। पहला, जो गतिविधि हो वो आपराधिक प्रवृत्ति की हो, आपराधिक गतिविधि हो। दूसरा, उस आपराधिक गतिविधि में एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल हो। तीसरा, उसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति का इंटेंशन कॉमन हो, सामान्य आशय हो। और चौथा, प्रत्येक व्यक्ति की उस आपराधिक गतिविधि में भागीदारी हो। धारा 34 के अंतर्गत अपराध की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि यह धारा कभी भी अकेले नहीं लगाई जाती। इस धारा को अन्य धाराओं जैसे आईपीसी 420, आईपीसी 467, आईपीसी 471 इत्यादि के साथ में लगाई जाती है। अतः उन धाराओं के अंतर्गत जो भी सजा, अदालती कार्रवाई, जमानत का प्रावधान होता है वह इस धारा पे भी लागू होते हैं। आज का वीडियो इतना ही। मैं उपेंद्र कुमार सिन्हा, रिटायर्ड सीनियर बैंक ऑडिटर और पेशे से वकील। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।